Hello class 6th. Yesterday we did the question answers of your chapter 1, problem solving. Today we will do the next segment of your exercise, that is discuss and write. First question is, Jack's parents knew that he had difficulty in solving a sum. Why do you think they did not solve the sum for him? Jack ke parents ko ye pata tha ki Jack ko सम सॉल्व करने में डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की? जैक्स पेरेंट्स डिड नॉट सॉल्व द सम फॉर हिम. व्हाई? एज दे वांटेड हिम टू ट्राई एंड सॉल्व द सम हिमसेल्फ, क्योंकि वो चाहते थे कि जैक खुद ट्राई करे और सम को खुद सॉल्व करे, सो दैट ही वुड अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, जिससे वो सॉल्यूशन को ठीक से समझ सके. सेकेंड क्वेश्चन, जैक रिपीटेडली डिड द सम इनकरेक्टली. जैक ने बार बार क्या किया, सम को गलत सॉल्व किया. सो द टीचर वर्कड इट आउट फॉर हिम. उससे क्या हुआ, टीचर ने उसके लिए सम सॉल्व करके दिया. डू यू थिंक गेटिंग अदर्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इज राइट? क्या आपको लगता है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराने के लिए हमें दूसरों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करानी चाहिए? Give reason for your answer. बिल्कुल, ये तो अच्छी बात नहीं है, नहीं करानी चाहिए. क्यों? Getting others to solve our problems is not right. ये अच्छी बात नहीं है. As this way, we will never learn to solve them. क्योंकि इस तरह से हम उन problems को कैसे सुधारा जाए, इस चीज़ को कभी नहीं सीख पाएंगे, खुद कभी नहीं सीख पाएंगे, है ना? वी मस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट थिंग्स आर सेल्स. हमें चीज़ों को खुद ट्राई करना चाहिए और ढूंढना चाहिए. एंड ओनली आस्क फॉर हेल्प. और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ हेल्प के लिए पूछिए, न कि अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूसरों से करवाएं. ठीक है, तो ये आपके एक सेगमेंट था एक्सरसाइज का. इसके बाद आपका इसी सेगमेंट में एक थर्ड क्वेश्चन है. देखिए मैं आपको शो कराता हूँ. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको बताया. अभी थर्ड क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड्स दैट यू वुड यूज टू डिस्क्राइब जैक. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, देखो, क्लेवर, कॉन्फिडेंट, कनिंग, लेजी, नर्वस, ओबीडियंट एंड स्किलफुल. इनमें से कोई एक वर्ड आप सर्कल करिए. आपको सर्कल करना है कोई भी एक वर्ड जैक के लिए, कि जैक किस तरह का था. और Now write what kind of boy Jack was by using the words you have circled. और जो word आपने circle किया उसी का use करते हुए बताइए कि Jack किस तरह का लड़का था. Also write the reason for your choice of words. और जो आपने words choice किया या किए उनके बारे में reason भी बताइए कि आपने ये word Jack के लिए क्यों choose किया. Okay, now रीड aloud द लास्ट वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द poem. पोएम थी उसका फर्स्ट स्टेंजा, उसके लास्ट वर्ड्स को आप पढ़िए, जोर से पढ़िएगा पोएम को. अब उसमें क्या देखने को मिला आपको, देखिए हम आपको पोएम दिखाते हैं. ये फर्स्ट स्टेंजा लास्ट वर्ड, देखिए यहाँ वन डन है ना. इससे हमें क्या पता चला, यू कैन सी दैट द वर्ड्स वन एंड डन एंड विद द सेम साउंड. ये दोनों वर्ड सेम साउंड के साथ एंड हो रहे हैं ना, तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. इनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स. पोइट्स यूज राइमिंग वर्ड्स टू प्रोवाइड अ म्यूजिकल इफेक्ट टू देयर पोएम्स. पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए पोइट्स इन राइमिंग वर्ड्स का यूज करते थे. अब आपको क्या करना है, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम That rhymes with each word below. ये जो words आपको had, three, some, इनसे related rhyming words आपको poem का लिखना है यहाँ पर ढूंढ के. और also add two more rhyming words to your own for each. हर word का एक rhyming word आपको poem से लिखना है और two words आपको खुद अपनी choice के लिखने हैं जो same यही sound produce करते हों. Okay? Then after Now write a stanza of your own using rhyming words. जो आपने rhyming words use किए यहाँ ढूंढे उनका use करते हुए आप एक अच्छा सा stanza लिख सकते हैं. So this is your homework. Okay? Do these question answers in your notebook.
and this activity in your book. In the next chapter, in the next class, we will start the next chapter of your book, second chapter. Okay, till then, take care, bye bye.